तन सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं गेट गॉड ऑफ वॉर चेन ऑफ ओलंपस रक्त चरित्र, जिसके अंदर हमारा क्रिएटोस पहुंच चुका था टेंपल ऑफ कोर्टयार्ड में, जहां पे उसको निकालने की हेलोस की पावर उनके स्टीड के ऊपर, जिससे कि जो स्टीड थे वो अपनी राह पर निकले और क्रिएटोस को बता सके कि उसको किस तरफ जाना है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते और गेम स्टार्ट करते हैं। होप आपको मेरी पूरी आवाज सुनाई दे रही होगी। हम थे इधर, हम जल्दी जल्दी गेम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम पहुंचे वहां पर, यहां पे हम थे क्रेटोस पहुंच चुका था। लास्ट टाइम हमने देखा होगा सुनसान राह पर हम पहुंच चुके थे कोर्टयार्ड टेंपल के अंदर, जहां पर हमारा आगे एक फसल आने वाली है। पजल को सॉल्व करेंगे। हमने एक्चुअली काफी दिनों बाद वो गेम स्टार्ट करी थी। And again the melody returned, and it almost seemed familiar. और वो मेलोडी जो कि उसको सुनाई दे। अरे जा जा यार, तू बिना क्या याद करेगा। इसी के साथ उसको तो हमने जन्नत रिसीव कर दिया, अब हमारी बारी है। अब हम इसको करते हैं पास। कल इसको मैं रिकॉर्डिंग ये क्रोटोस का ही हमला था कि यहाँ पर आकर उसने नॉट ऑनली दो बंदों को मारा, तीन बंदों को मारा है। आप सबको बता दें कि क्रोटोस जो कि हमारा एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर उसका नाम महाकाल है। महाकाल क्या तांडव हमारा जो पहली सीरीज थी उसको ख़त्म करने के बाद हमने स्टार्ट करी है रक्त चरित्र। रक्त चरित्र का ये मेरे ख्याल से आठवां पार्ट है, जिसके अंदर हम पहुँच चुके हैं हेलोस के टेंपल के अंदर, और उस टेंपल का के अंदर हमने ये मिली है पावर हेलोस की।
भी खुल गया है, अब हमारे पास मिल गई है ये मूर्ति। इस मूर्ति से हमें क्या करना है ये देखना जरूरी है। ये रात को मैं फिर भूकंप आया, पूरी धरती पर सूरज का खत्म होने की वजह से मॉर्फिस गॉड का राज चल पड़ा है। मॉर्फिस गॉड जो कि मॉर्फिस गॉड वो है जो कि एक ड्रीम का गॉड है, उसने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया है हेलोस के जाने के बाद से। अब हमारे को लगता है हमारी पजल खत्म होने वाली है। चलिए अब इस प्रकाश का हम लोग पुंज सामने वाली स्ट्रीट के ऊपर डालेंगे। ये जो स्ट्रीट है हमारे को एक प्रकाश पुंज और देगी, उस प्रकाश पुंज को हम लेके किसी और राह पर चलेंगे, तीसरी स्ट्रीट को, क्योंकि अभी तक हमने एक स्ट्रीट को खोला है, एक घोड़े का स्ट्रीट खोला है जो कि घोड़े को और इसी के साथ हमारा दूसरे स्टेट के बाद अब हम कोशिश करेंगे तीसरे स्टेट को खोलने की।
पहले स्ट्रीट के लिए जो रास्ता बना था ये वो वाला नहीं है, लगता वैसे ही सीढ़ियाँ है, उन्हीं सीढ़ियों के बीच में से रास्ता निकला था, पर मुझे भी पहले यही लगा था, पर ये पहले स्ट्रीट वाला नहीं है। As Kratos left the temple, he was assaulted by the army of Morpheus, and again he heard the haunting melody. तो मेलोडी ने दोबारा से हॉन्ट करना शुरू कर दिया है क्रेटोस को, जो कलायपी की वो डॉटर की वो दोबारा वो मेलोडी जो डॉटर की थी वो पहचान गया उसको। That draw the sun chariot of the sun halos. Here the rest boars, the north wind who leads the path of a sun chariot and guides his brother Chephroes
एंड एरियोस और नोटोस ऑन देयर स्पिरिचुअल वॉयजेस ड्राइंग सन अक्रॉस द स्काईज। अच्छा जी, ये है फायर स्टीड जी की मिलती है विंड्स अपने ये, और ये विंड्स जो होती हैं अपने जो ये तीन ब्रदर्स हैं जायोस आयरोस और नोटोस को एक वॉयज पे लेके जाती है। वॉयज कहते हैं एक एक तरह का ट्रैवलिंग जिस पे वो लेके जाती है सन को अक्रॉस द स्काईज। तो हम उस स्टीड के पास पहुंच चुके हैं और हम उसको पूरा करने लगे हैं। फाइनली सन की जो ही पावर है वो उस पावर को हम यूज करते हुए हमने उस स्ट्रीट की पावर को निकाल दिया है। अब वो हमारे को लेकर जा रही है किसी अनजान जगह पर, देखना है कि वो कहाँ पर लेकर जाती है। ये हॉर्स है चैरियट, जिसको हम कहते हैं चैरियट को हम कहते हैं एक तरह का रथ। With the release of the fire steeds, Kratos was now in the hands of the beasts. And where they would take him, he did not know. Or finally. आप उस चैरियट पे बैठ चुके हैं। अब सामने आ रहा है पास्ट, ये एक बांसुरी बना कर दी थी कलोपी को काट कर, और उस कलोपी की उसी बांसुरी की जो आवाज है वो हंट कर रही है। ये देखना है, ये सीन जो विजन्स है हमें आगे सीरीज में पता चलेगा कि क्या वजह है क्यों उसको आती है। As the steeds pulled Kratos away from the grip of Morpheus, they crossed into the underworld. But in the land of the dead, they could go no further. ये स्पीड सीधा लेके आ रही है हेडिस के अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर। हमें ये देखना है कि हेलोस यहाँ पे क्या कर रहा है और क्यों आ रहा है। Kratos found himself on the very edge of Hades, the land where no mortal had set foot. Here, where the souls of the dead walk their fated path, Kratos knew that for him, this was merely the beginning. तो आपके सामने जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि जो क्रेटोस है महाकाल है वो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां तक आज तक जीवित व्यक्ति ने पैर तक नहीं रखा है। वो पहुंच चुका है हेडिस, नरक के द्वार पर, जहाँ पर नरक पर राजा राज करता है और आज तक उधर किसी जीवित आदमी ने नहीं पहुँच पाया है। और ये गॉड ऑफ वॉर हमारे महाकाल का एक फेथ है कि वो यहाँ तक पहुँच पाया है। देखना आगे उसको क्या मिलता है। पर हम यहाँ आज का एपिसोड यहीं तक रखेंगे और सेव करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।